अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी मैनीक्योर आप घर पर कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स हैं और जब आप घर पर मैनीक्योर करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने पार्लर से मैनीक्योर करवाया है। बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त रेमेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बोल लेना है, उसके अंदर मैंने गर्म पानी डाल दिया है। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपके हाथ जो है वो बर्दाश्त कर सकें। अब इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच नमक का, एक चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच कोई सा भी शैम्पू आप इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे तरीके से करें मिक्स। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी सबसे पहले आपको मिल सकेगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाज बाय अज़रा के नेम से। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें और अपने हाथों को इसके अंदर डिप करें। तकरीबन 10 मिनट आपने अपने हाथों को इस पानी के अंदर रखना है और साथ साथ हल्के हल्के हाथों से अपने हाथों को रब करते रहना है। 10 मिनट के बाद आपने अपने हाथों को सिंपल वाटर के साथ इसको वॉश कर लेना है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप्स आप फॉलो करते जाएंगे और हाथ इतने नीट क्लीन हो जाएंगे। अब एक और बोल लेना है, इसके अंदर आपने दोबारा से गर्म पानी लेना है। इसके अंदर चाहें तो आप लेमन डाल सकते हैं, लेमन एक लेमन निचोड़ के उसके अंदर जो इसका लाइम है वो भी आप इसके अंदर डाल दें। मैं एप्पल साइडर विनीगर यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दें। अब हाथों को इसके अंदर भिगो दें और तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने हाथों को इस गर्म पानी के अंदर रखना है। अगर इसके अंदर लाइम है तो अपने हाथों के ऊपर रब करते रहें 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपने सिंपल वाटर के साथ हाथों को वॉश कर लेना है। अब कोई सा भी जो भी आपके पास ब्रश पर पड़ा हो तो कोई सी भी पेस्ट आप इसके ऊपर लगा के इसको हम अपने नेल्स के ऊपर लगाएंगे। इससे ये होगा कि आपके नेल्स के ऊपर शाइन आएगी, जो भी डर्ट वगैरह जो साइड्स पे जमा हो जाती है वो भी रिमूव हो जाएगी और आपके जो नेल्स हैं वो शाइनी और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। इसको तकरीबन 1 मिनट तक आपने इस तरह पेस्ट के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से रब करना है। 1 मिनट के बाद आपने सिंपल वाटर के साथ अपने हाथ जो है वॉश कर लें। ये देखें, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग कर रहे हैं फ़र्क आपको वाजे नज़र आ रहा होगा। अब हम स्क्रबिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें एक प्याली में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चावल का आटा। इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल का, 2 अरके गुलाब। आपने इसके अंदर इतना डालना है कि ये थिक सी पेस्ट बन जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये जो पेस्ट है ये आपके हाथों के को एक्सफोलिएट करेगा, जितने भी डेड स्किन अगर हाथों के ऊपर है तो उसको भी रिमूव करेगा और हाथों के ऊपर शाइन आएगी। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें और ब्रश की मदद से आप अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करें। ये देखें, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट तक आपने अपने हाथों के ऊपर लगा रहने देना है। दस मिनट के बाद हल्के हल्के हाथों से इसको स्क्रबिंग करके 2 से 3 मिनट आपने इसको रब करना है। उसके बाद आपने सिंपल वाटर के साथ वॉश कर लेना है। ये इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस हाथ के ऊपर भी मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसका बहुत वाज़े फ़र्क लगेगा।
इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसको ड्राई होने के लिए रखना है। उसके बाद हल्के से स्क्रबिंग करके तकरीबन 2 मिनट स्क्रबिंग करें और फिर आप इसको वॉश कर लें। स्किन इतनी नीट हो जाएगी आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये देखिए आप देख सकती हैं, ये आप देख सकते हैं हाथ के ऊपर कितना ग्लो और कितनी स्किन नीट लग रही है। अब लास्ट में कोई सा भी आप जो भी लोशन यूज़ करते हैं, ये मैं वैसलीन का लोशन यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने अपने हाथ की हथेली पे लिया है। अब इसके अंदर 2 ड्रॉप्स मैंने एलोवेरा जेल के ऐड किए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अपने हाथों के ऊपर अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करें। ये आपको खुद लग रहा होगा हाथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और शाइन आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही अच्छे इसे हाथ हो जाते हैं। इसको तकरीबन 2 हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई किया करें, आपके हाथ जो हैं बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी मेरी रेमेडी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।